नमस्कार, मैं हूं अभिषेक नैन और देख रहे हैं आप एबीपी लाइव। इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली के राजीव चौक पे है और आज के चौपाल में हम बात करेंगे जो आज केंद्र सरकार द्वारा जो बजट पेश किया गया उस पर हम बात करेंगे आखिरकार दिल्ली की जनता उसके बारे में क्या सोचती है। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, कुछ बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, युवा भी हैं, बुजुर्ग युवा है, आधी उम्र से ज़्यादा है, हमारे उम्र के ही हैं। सबसे पहले आप ही से पूछते हैं, आज का बजट आपने देखा होगा? जी, बजट मैंने देखा नहीं, सुना। हाँ, मैं सुना, जो प्री बजट जो कल बातचीत हो रही थी बस उसकी जानकारी है। आज जो बजट हुआ उसके बारे में कोई जानकारी नहीं? लोगों से सुना आपने बजट में क्या क्या आया अभी सुबह से लेकर दोपहर तक? अभी तक बजट में ये सुना कि बिहार को जो पैकेज मिलने वाला था विशेष राज्य का दर्जा, वो नहीं मिला। तो पैकेज तो मिला सर, 75,000 करोड़ का पैकेज मिला। पैकेज तो पहले भी मोदी जी ने अनाउंस किया था, 70,000 करोड़ की करूं कि नहीं करूं, 1,00,000 करूं कि नहीं करूं, 1,25,000 करोड़ किया था उन्होंने, चिल्ला चिल्ला के किया था। क्या वो पैकेज मिला था? भाई साहब, जो भी इन्होंने किया वो धरातल पे उतरनी चाहिए, धरातल पे उतरनी चाहिए और चरितार्थ होनी चाहिए कि इन्होंने जो बजट दिया है उस पर काम हुआ। काम नहीं हुआ तो सवाल खड़ा होगा, खड़ा होना चाहिए। इससे अधिक मैं भी कुछ नहीं कह सकता। यानी इस बार का बजट जो आया है आम लोगों के लिए है? ये भी सुना कि कांग्रेस का जो एजेंडा था, मैनिफेस्टो था, उसमें से इन्होंने कुछ लिया की बात हो रही है, कुछ लिया हुआ है 5,000 रुपए पर। अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं कांग्रेस के एजेंडे को फॉलो करती है। पहले आधार कार्ड इन्होंने, मोदी जी ने जबरदस्त विरोध किया था, फिर उन्होंने लागू किया और उसका फायदा जबरदस्त जिस तरीके से मोदी जी ने उठाया किसी सरकार ने नहीं, कांग्रेस ने कम से कम उठाया। फिर मनरेगा का भी इन्होंने विरोध किया, फिर वही किया। फिर अभी कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो था उसमें से जो चीज़ लेके आए हैं उसका स्वागत करते हैं, बशर्ते कि इसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए और एक ईमानदारी के साथ इम्प्लीमेंट होना चाहिए, तब इसको माना जाएगा, अदरवाइज ये भी एक जुमला सकते हैं। चलिए और भी लोग हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम मेहताब हिंदुस्तान। मेहताब जी, आज बजट पेश हुआ, सुना होगा, देखा होगा आपने, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, जो बजट पेश हुआ है, जिसको ये मैनोफेस्टो को, कांग्रेस के मैनोफेस्टो को, तालिबानी मैनोफेस्टो और खालिस्तानी मैनोफेस्टो किस किस नाम से पुकारा करते थे, ये वही कॉपी हुई है, बिल्कुल उसी की कॉपी इन्होंने पेश की है। पर कितना था उन्होंने? 8,500 रुपए महीना पर महीना अपना मैनोफेस्टो दिया था, 1,00,000 रुपए साल का, इन्होंने 5,000 कर दिया। आप मुझे बताइए 5,000 में क्या होगा? आम आदमी का, किसान का क्या होगा, छात्र का क्या होगा, महिला का क्या होगा, देश के जवान का क्या होगा? अगर किसान के फायदे का बजट हो, अगर किसान का फायदे का बजट हो तो मैं मानूंगा, अगर देश के छात्र के फायदे का बजट हो तो मैं मानूंगा। सिर्फ घुमा फिरा कर सीतारमन जी ने जो पहले बजट था सेम वही ला के खड़ा कर, इसमें किसी आम आदमी के भले का कोई बजट नहीं है, ना ही आम आदमी के फायदे का कोई बजट है, ना ही आम आदमी का, ना ही देश के छात्र का, ना ही देश के जो एजुकेशन एजुकेटेड हैं उनके फायदे का बजट है। दिखा दीजिए आप मुझे कि अगर आम आदमी के या रोजगार के ऊपर इन्होंने बजट दिया हो, या जो थर्ड क्लास आदमी है उसको फायदे के लिए उसके लिए बजट इन्होंने दिया हो, कुछ नहीं। सिर्फ बजट वही है जो पहले था, घुमा फिरा के वो अडानी अंबानी और देवपतियों को फायदा पहुंचा दिया। देखिए भाई साहब, तो बजट का सेलिब्रेशन कर रहे हैं, बजट पेश हुआ, देखिए आप ये मकई खा रहे हैं, ज्यादा हो गया, सस्ता हो गया। अरे सस्ता है भैया, एक में दो आदमी खा रहे हैं, अब क्या करे, कहाँ महंगाई है, कहाँ महंगाई है, कहाँ महंगाई है, यार खाने पाएंगे तो दो आदमी ने खाएंगे। बोले इस बार का बजट कुछ तो है ही नहीं। कौन बता रहे कुछ नहीं है? तो बोलेंगे कुछ नहीं है, इनको भुट्टा नहीं मिला खाने के लिए, हमें तो वो भी मिल गया खाने के लिए। लीजिए भुट्टा लेंगे तब ना, वहाँ बट रहा है, लीजिए। जी बताए आप। देखो इस बजट में गरीबी पे, महंगाई पे, बेरोजगारी पे क्या कर रही है सरकार, इसका जवाब कुछ नहीं है। ये रूटीन बजट है, जैसे हर साल आता है, वही वित्त मंत्री है। पिछले बजट का बता दो क्या देश में क्या फर्क पड़ा, और लोग इतने त्रस्त हैं कि इनको 240 पे समेट दिया। यूपी में
80-80 कर रहे थे, 35 में ला के खड़ा कर दिया, तो लोग दुखी है ना। इसलिए कोई भी योजना इनकी जो आ रही है उससे लोग खुश नहीं है। हो सकता है आने वाले टाइम में ये 40 पे सिमट के रह जाएंगे। तो कोई देश के लिए कुछ करो ना, आप आम आदमी के लिए क्या कर रहे हैं? आप काम दीजिए, नौकरी दीजिए, 5,000 रुपए महीना। क्या क्या आम नागरिक 5,000 रुपए में कोई अपने घर का खर्चा चला लेगा क्या? आप रोजगार दीजिए, बजट छोड़िए, रोजगार दीजिए जनता को। जो आज हमारे देश का युवा अपनी डिग्री अपने बैग में लेकर घूम रहा है, उनको नौकरी दीजिए, बजट की जरूरत ही नहीं। नौकरी की बात तो की गई है ना, नौकरी की बात 10 साल से हो रही है सर, 10 साल से हो रही है। IIT स्टूडेंट नोएडा सेक्टर में देखिए, मैं समझता हूँ काफी बड़े बंदे काम कर रहे होंगे, उनकी सैलरी कितनी है? 15,000-16,000। क्या ये सफिशियंट है? इसमें सवाल नहीं करा होना चाहिए, ये तो बहुत बड़ा सवाल है। और आज जहाँ तक मैंने सुना कि शिक्षा में आपने क्या बजट दिया, शिक्षा में कोई बजट आपने कुछ नहीं दिया, क्यों देंगे? आपकी मानसिकता ही नहीं वैसी है, डेवलपमेंट की मानसिकता ही नहीं है आपकी, अब क्या करें? आपने सिर्फ बजट जो रूटीन वर्क है वो बजट दिया है आपने, बाकी आम जनता को इससे क्या फायदा होगा? आम जैसे लोगों को कोई फायदा नहीं, रूटीन बजट है सिर्फ। जी आप क्या कहना? मैं ये कहना चाह रहा हूँ बहुत ही अच्छा बजट है और उसमें कोई दो राय नहीं है। सभी सेक्टर्स को देखा गया, सबसे पहले डिफेंस सेक्टर को देखा गया कि डिफेंस क्या है, हमें पाकिस्तान और चीन से खतरा है तो पहले हमारा डिफेंस मजबूत होना चाहिए। देखिए जो चीजें हमें पहले अपनी सुरक्षा देखनी है सर, अफगानिस्तान का हाल देख लीजिए, कहाँ है अफगानिस्तान? नक्शे से गायब हो गया है। तो कहने का मतलब यही है, पाकिस्तान क्या है, कटोरा लेके घूम रहा है, कोई कर्जा डाल रहा है? IFM ने भी कह दिया कि मैं कोई आपको कुछ नहीं देने, हम हमारे बस का नहीं है तुम्हारे पास। चाइना खुद ने कह दिया कि हम तुम्हें कुछ नहीं डाल सकते तुम्हारे कटोरे में। तो कहने का मतलब पहले देश है हमारा और देश की सुरक्षा के लिए डिफेंस का बजट अच्छा है और हर सेक्टर को वो करने के लिए। आप देखिए बिहार सबसे पिछड़ा हुआ राज्य था, बिहार के लिए अच्छा खासा बजट दिया है, बिहार को आगे बढ़ाने की कोशिश। देखिए बिहार के लोग पूरे देश में छाए हुए। अगर विपक्षी कह रही है भाई साहब बिहार को जो बजट मिला है, जो अभी सरकार है उसको बचाने के लिए बना है, सीट बचाने के लिए बचा है, कुर्सी बचाने के लिए बना है। बिहार से बिहार को बदहाल करने में जो कांग्रेस ने भूमिका निभाई, आज बिहार के उत्थान की जब बात हो रही है तो आप कह रहे हैं बिहार को सत्ता बचाने, केंद्र की सत्ता बचाने के लिए ऐसा लोलुपता किया गया है। अरे भैया जब आप कहते जब नौमी फेल उप मुख्यमंत्री था, जब कहते जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राबड़ी जी को यह दिया था कि आप बिहार का उत्थान करो, लेकिन ये लोग बिहार के उत्थान के जगह परिवार उत्थान में लग गए थे। भैया बिहार हमारा था, वहाँ परिवार उत्थान चल रहा था, बिहार उत्थान नहीं, बिहार को दबाने का काम किया गया था इनके राज में। आज तो बिहार, आज जाके देखे, मैं पूर्णिया से हूँ, जो पटना और पूर्णिया का नेशनल एक्सप्रेस वे जो बनाने जा रहे, आप जाकर देखे बिहार में, ये वो लोग छोड़ गए थे जहाँ जंगल राज से त्राही मांगता था बिहार, बिहार में वो था जहाँ लालटेन की रोशनी चलती थी। अरे साहब अब तो बिजली चलती है, ये लोग क्या कहेंगे? चाटुकारिता की हदें थी और कुछ नहीं था। बिहार को बिहार सबसे घृणा हो गई थी, बिहार दूसरे राज्य में जाके खुद को बिहारी बोलने में शर्माता था। आज वो चीज खत्म हो गया, आज वो समय खत्म हो गया, क्योंकि लालू का राज खत्म हो गया। नीतीश कुमार, बिहार मैं बताता हूँ बिहार का हाल, बिहार का हाल। आज 15 पुल पानी में कूदकर खुदकुशी कर चुके हैं, ये है बिहार का हाल। और VIP पार्टी के मंत्री की हत्या हो जाती है, ये है बिहार का हाल। आम आदमी फिर कैसे सुरक्षित होगा आप मुझे बताइए? VIP पार्टी, लेकिन जब लेन देन वाली बात हो, लेन देन वाले चक्कर हो, और ये नहीं बताते हत्या के पीछे था कौन, ये नहीं बताते हत्या के पीछे। बात हमने बजट कही है, बात खुली है तो दूर तक जाएगी। बजट पे बात करते हैं ना, बजट पे बात करते हैं ना। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब राबड़ी जी की सरकार हुआ करती थी, अरे भैया अभी के बजट पे तो बोल रहे हैं बिहार के उत्थान के लिए मोदी जी ने काम किया और आप लोग उसको नापसंद कर रहे हैं। अरे ये कह रहे कौन सा काम, 20 साल हो गए बिहार में BJP की सरकार, बीस साल हो गए बीजेपी की सरकार, डबल इंजन की सरकार बिहार के अंदर में,
कोई काम बता दो कि कौन सी काम आई है, करा कि डबल इंजन की सरकार है, काम अच्छा हो रहा, कौन सा काम बिहार में काम अच्छा हुआ? काम ओनली मोदी काम, मोदी का घबराए हुए बिहार से, कौन से डिस्ट्रिक्ट से? पता नहीं होगा बिहार की हवा। आज का बजट आपने देखा? बजट सर, आज का जो बजट है, बजट पहले के मुकाबले बहुत अच्छा है। और आज के डबर लोग कहते हैं रोज बेरोजगारी, कहाँ है बेरोजगारी? अब मार्केट में घुमा के देखो ना सर, कैमरा बेरोजगारी दिखाई दे रही क्या? पहले भी इतनी भीड़ थी, पहले की अकॉर्डिंग भीड़ बढ़ी है। दूसरे कहते 140 करोड़ जनसंख्या हिंदुस्तान के अंदर, सब रोजगार रोजगार मांगते। मोदी जी ने लघु उद्योग स्टार्ट करा सर, एमएसएमई के सेक्टर के अंदर जाओ, सूक्ष्म लघु उद्योग स्टार्ट करो। सूक्ष्म लघु उद्योग के लिए गवर्नमेंट आपको फंड दे रही है, उस फंड से आप अपना छोटे छोटे लघु उद्योग स्टार्ट कर सकते। गवर्नमेंट से आप फंड लो, ठीक है, उसी से आप फंड लो, विश्वकर्मा योजना, विश्वकर्मा योजना से आप फंड लेके उस फंड से आप काम करो ना लघु उद्योग दुनिया भर के। कौन करेगी सर रोजगार नहीं है, रोजगार करने वालों की इच्छा नहीं है। हर कोई बंदा चाहता मेरे को कंफर्ट जोन में, सब कंफर्ट जोन में उड़ने चाहता सर, रोजगार करो। आप क्या कह रहे हैं कि इस बार का बजट सही नहीं है? सही है सर, बजट बहुत अच्छा है, बजट से कोई परेशानी नहीं है, बजट सभी के लिए अच्छा है, डिफेंस के लिए अच्छा है, एजुकेशन के लिए अच्छा, आम लोगों के लिए भी ठीक है। ठीक है, अगर कोई भी लोग उसमें काम नहीं करना चाहते, आज के दिन में आवानी नहीं, तो वो कहते हैं कि बजट बेकार है, बजट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे युवा भी इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल है जी। अनिल भाई, बजट जो आया है इस बार, क्या सही नहीं है? बिल्कुल सही है। विपक्षी तो बोल रही है बजट, देखिए आम लोगों से दूर बजट है, सिर्फ ये बजट है, देश का बजट कह रहे हैं, लेकिन दो राज्यों का सिर्फ बजट है, दो लोगों का सिर्फ बजट। विपक्षी देखो किसी भी काम में खुश नहीं है, किसी भी काम में खुश नहीं है। अगर वो बैठे होते ना, वो कर रहे होते तो सब ठीक था। मोदी जी जो भी कार्य करते हैं ना, वो इनके लिए समझ लो कि जो ला रहे हैं वो बिल्कुल गलत ला रहे हैं। जो बजट आया है सबके हित में आया है और अच्छा है, आगे अच्छा ही रहेगा। चलिए बहुत, चलिए तो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान खुद जो शिक्षा मंत्री हैं, जवाब नहीं दे पा रहे। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, नीट पे बोला नहीं जा रहा है। हमारी मौजूदगी है दिल्ली के करार प्लेस पे, और आज के छोपाल में हमने बात किया जो आज पेश हुआ बजट, उस पर तो अधिकतर लोगों ने कहा कि बजट बेहतर है, आम लोगों के लिए है। देखना होगा कि आखिरकार इस बजट का असर क्या होता है, क्योंकि बजट आना और उस पर अमल करना अलग बात होती है। अभिषेक नैन, एबीपी लाइव, दिल्ली। फॉर एक्सक्लूसिव एंड इनसाइटफुल वीडियोस सब्सक्राइब टू आवर न्यू चैनल एबीपी लाइव प्रीमियम।